तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी हूँ मैं मक्के के खेत में ही हूँ। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है यार। आज हम लोग का मेहनत का जो फल था वो मक्का जो है, मक्का ही हम लोग का मेहनत का फल था, ठीक है। तो सब मतलब इतना ज़्यादा स्टोर के रख दिया था। सुबह में आके देखा बहुत ज़्यादा इधर हम लोग का जो है मक्का बहुत ज़्यादा ही तोड़ के रख दिया था। वो कौन तोड़ रहा है वो अभी तो हम लोग को पता नहीं है, बट हम लोग का मक्का जो है बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा। सुबह में आके देखा इतना सारा मक्का हम लोग का जो टूटा हुआ है, इसके लिए तो हम लोग को बहुत बुरा लगा। और वो जो टूटा हुआ मक्का था वो हम लोगों ने अभी एक जगह इकट्ठा करके रख के, फिलहाल में अभी हम लोग जो है इसको अभी बेच भी नहीं सकता, इतना अच्छा दाम भी नहीं मिलेगा इसका। मतलब मक्का अच्छे तरीके से हुआ नहीं है तो दाम कैसे मिलेगा, ठीक है। तो ये लोग, ये जो मक्का है हम लोग का, उसको हम लोग जो है अपने अपने घर पर ले जा कर के मतलब ऐसे खाना पड़ेगा। अब जो है कुछ तरीका नहीं है, ठीक है। तो अभी जो है मैं अभी आ चुका हूँ मक्के खेत में। पूरा मक्का जो है पूरा एकदम से एक जगह इकट्ठा करके देख सकते हो, ये जो मक्का है बहुत ज़्यादा अभी तो यहाँ पे तो 1% है, ठीक है। और उधर जो है, उधर हम लोग दो तीन जगह पे बहुत ज़्यादा ही मतलब एकदम मक्का जो है ऐसे ही छुड़ा छुड़ा करके रखा है। अभी सुबह सुबह आकर के बहुत ज़्यादा देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा ही हम लोग को बुरा लगा यार आज, क्या बताएं। ये देखो हम लोग का मक्का जो है पूरा एकदम से क्या हो गया है, देख सकते हो। इतना ज़्यादा आज बुरा लगा ना भाई। और इस मक्का जो है, मक्का तो मक्का टूटा है बट इसमें जो कीड़े भी लगे हुए हैं अभी देख सकते हो इसमें कीड़े। तो आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए यार कि किस तरीके से मक्का लगाना चाहिए। हम लोग को तो पता नहीं है। फ़िलहाल मैं ऐसे ही मक्का फर्स्ट टाइम लगाया था तो उसमें लगता है कि हम लोग को अभी लॉस होने वाला है। और फिर मक्का भी उतना अच्छा तरीके से हुआ नहीं है, मक्के का बीज ही कुछ बीच में ही गड़बड़ था या क्या था वो तो पता नहीं, बट हम लोग का मक्का जो है इतना सारा छिल करके इधर ही रखा है। और उधर जो साइड में है इसका मतलब दो भाग तो इसका उधर ही रखा हुआ है अभी, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी बैग में भर करके ले जाएंगे, ये बैग है हम लोग का। और देखते रहिए आप लोग वीडियो। जो हम लोग का मक्का है बहुत बुरी तरीके से अभी तो ख़राब हो चुका है। फिलहाल में आप लोग देखिएगा वीडियो, ये देख ही सकते हो आप लोग। अब इसको मैं इसमें भर रहा हूँ, जो हम लोग ये इसको घर पे ले जा करके मतलब अपने अपने घर पे ले जा करके अब खाना पड़ेगा, क्या है भाई। ये तो अभी कोई ख़रीदेगा नहीं ना, ऐसा हो चुका है मक्का और इधर सूख भी चुका है। और इधर पेड़ में अभी लगे हुए हैं बहुत सारे मक्के हैं, बट और बहुत सारे मक्के जो है वो भेड़ बकरिया या आदमी तोड़ रहा है वो तो पता नहीं, बट कोई तो है जो हम लोग का मक्का के खेत है जो बहुत ज़्यादा ही ख़राब कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख ही सकते हो, अगर एक इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा भाई, देख सकते हो। इधर जो हम लोग का मक्का है बहुत ज़्यादा ही आदमी लोग ही हो सकते हैं शायद। अब बकरियां तो आकर के डायरेक्टली ऐसे मक्का जो है इसको पेड़ में से नहीं तोड़ेगा ना बकरी आके, तो इसको तोड़ने का हाथ जो है वो आदमी का ही हो सकता है शायद, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि इस तरीके से कौन तोड़ता है मक्का जो है। और पेड़ तो बहुत ज़्यादा कम ही गिरा है, बट ऐसे मक्का जो है ना, आप लोग को मैं एक दिखाता हूँ, ऐसा मक्का जो है ना ये इसको तोड़ करके ऐसे देखिए, हाँ ये मक्का जो है इसको तोड़ करके पूरा नीचे मतलब ऐसा झुका दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा तो मक्का टूटता नहीं है फिलहाल में। आप लोग को एक मक्का मैं दिखा दूँगा जो अभी टूटा हुआ है। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए और आप लोग बताइएगा कि वीडियो मेरा कैसा हो रहा है। और फिलहाल मैं अभी तो मैं नया ब्लॉगर हूँ ना, तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत होने वाला है। और आप लोग बताइए, इधर जो है एक साइड से हम लोगों ने इसको पूरा भर लिया है, ठीक है। अब इसको हम लेके चलते हैं दूसरी साइड में, तो सैंडल पहनना है। और इधर का जो हम लोग का पूरा मक्का है आप लोग देखिएगा, हाँ एक वीडियो, ये देखो ये मक्का है ना इसका टूटा हुआ है और इसका भी टूटा हुआ है। ये अब आदमी नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है भाई, आप लोग कमेंट करके बताइए। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ भी ऐसा मक्का खेत में ऐसा ही होता है, और कोई भी फसल लगाने से हम लोग का ऐसा ही होता है, ठीक है। वो अभी होता तो नहीं है फिलहाल में फसल, पर चोर तो लग ही जाते हैं, ठीक है। और इधर का भी देख सकते हो माहौल जो है बहुत ज़्यादा ही
ख़राब है फिलहाल में।